इंट्रोड्यूस करवाओ अपने आप उनका ये पांच बंदों की फैमिली जो है दूसरे को बताए बगैर अलग अलग पॉइंट पर हिस्सा लेते हैं। उस दिन उस रात चार बच्चे ना मेरे और उस दिन जो वीडियो वायरल हुई है वो मेरी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ सर, ये तो अभी तीन दस्ते थे पुलिस के ना जो खड़े थे, उनसे मैं ये कह रही थी कि आप मतलब किस उससे मतलब क्या हम पाकिस्तानी नहीं है या आप इंडियन हो या हम इंडियन हो, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, बताओ ना किस लिए आए। वो कहते हम मजबूर। मैंने कहा तुम्हें रिजक उसका कोई अल्लाह पे भरोसा नहीं है, रिजक तो उसने देने आज कह देते सब इनकार कर देते। तो मैंने कहा वो तुमसे इतना प्यार करता है, हमें आमने सामने नहीं चाहते थे खान साहब, तो मैं इसलिए रो रही थी उनसे। मैं कह रही थी कि वो तो ये चाहते नहीं थे, आप लोग फिर इस तरह से मतलब कर रहे हो। तो वो एसपी था ना एक, उसने देखा कि मतलब ये बड़ा बोल रही है, उसने कहा पकड़ो इसको डाले में डालो। मैंने कहा हाँ डाले में डालो, मुझे सारी गोलियां यहाँ खा कर जाऊंगी, जिंदा नहीं जाऊंगी। तुमने क्या समझाया? वो कहता है उसने मुझे गाली दी ना एसपी ने। हाँ जी, अब मुझे ये पता, अगर पता होता मैं अपने घर जाती। खान साहब मॉल रोड पे था वो, ऐसे मॉल रोड पे निकाल के आपने खान साहब वीडियो देखी होगी उनसे पुलिस वालों से जो फाइट करी थी। मैं नहीं छोटी होती बदनामी, मैंने उसी वक्त मैंने कहा जो मुझे गाली दी है वो तेरी माँ तेरी बहन बगैरत के बच्चे देखकर ये तो बड़ा बोल रही है इसको, फिर मुझे इधर सोटी मार रही है सीधा दर्द ऊपर से। मैंने कहा सोटी से क्या होता है, गोली मारो ना, मारो गोली इधर, हमारी ऐसी की तैसी तुम्हारी, आए हो तुम लेने के लिए खान साहब, हाथ तो लगाकर देखो पहले हमें मारो ना फिर उधर पहुंचना तुम, तुम्हारी जुर्रत तुम्हारी। अच्छा जी, वो लगे हुए थे इस वक्त, तो मुझे इस वक्त इतना समझ नहीं आ रही थी कि क्या, मुझे ये था कि मैंने कहा आप बेटा भाई हो हमारे, तुम पैदा होते हो, हम दुआएं करती हैं, हम माए हमारे